बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक औरत जब मन्नत माने अपने बच्चे के बारे में कि मेरा बच्चा बख़ैर आफ़ियत जो है वो फ़लाँ जगह पे पहुंच जाए या किसी मुल्क में पहुंच जाए, मिसाल के तौर पर औरत का बच्चा तुर्की जाने लगा और वो बस के ऊपर बैठ गया, बस के ऊपर उसने जाना है या वैसे उसने सफ़र करना है, अब वो औरत मन्नत मान लेती है कि मैं जितने दिन लगेंगे मेरे बच्चे को तुर्की पहुंचने में, मैं उतने दिन हर रोज़ मस्जिद में जाकर 12 रकत नफल अदा करूंगी। तो क्या वो उसके लिए मस्जिद में नवाफिल वो 12 अदा करने ज़रूरी हैं या घर में भी अदा कर सकती है? इसका जवाब ये है कि अगर कोई खातून बच्चे की मन्नत मानती है कि जितने दिन उसको लगेंगे वहाँ मकाम तक पहुँचने के लिए, उतने दिन हर रोज़ वो 12 रकत नवाफिल जो है वो मस्जिद में जाकर अदा करेगी, इसके लिए जवाब ये है कि वो मस्जिद में अदा ना करे, घर वाली मस्जिद जो बैत उसको कहा जाता है औरतों के लिए जो मस्जिद है घर वाली, उसमें भी अगर वो बैठकर 12 रकत नवाफिल अदा कर लेती है तो उसके नवाफिल अदा हो जाएंगे, उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी, लिहाजा उसके लिए मस्जिद में जाना ज़रूरी नहीं है। वो घर में भी अगर बैठकर 12 रकत नवाफिल अदा कर लेती है तो उसके नवाफिल अदा हो जाएंगे और उसकी मन्नत वो पूरी हो जाएगी, लिहाजा उसको मस्जिद में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो घर में ही अदा कर लेती है तो उसके अदा हो जाएंगे, लिहाजा मन्नत उसकी पूरी हो जाएगी, उसको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के काफ़ी काम जो हैं ऐसे हैं जिनकी मन्नतें मानी जाती हैं। बाद माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के लिए मन्नतें मान लेते हैं कि मैं नवाफिल इतने अदा करूँगा, मैं इतने अदा करूँगी, तो लिहाजा अगर जितने भी नवाफिल अदा करना चाहें तो घर में भी नवाफिल अदा कर सकते हैं, बल्कि घरों में भी ये अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवाफिल वगैरह अपने घरों में भी अदा किया करो, तो लिहाजा अगर उसने मन्नत में मस्जिद का नाम लिया है तो कोई बात नहीं, अगर वो घर में भी अदा कर लेती है तो जो उसने जगह बनाई हुई है घरों में होती है नमाज पढ़ने की, उस जगह पर बैठकर वो 12 रकअत नवाफिल अगर अदा कर लेती है तो उसके वो मन्नत पूरी हो जाएगी, 12 रकअत नवाफिल उसके अदा हो जाएंगे, लिहाजा उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दुआए खल्ला के कायनात की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।